हेलो गाइस, यहाँ पे सस्ता ब्लॉग चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक सस्ता ब्लॉग चल रहा है। गाइस वेलकम टू टीम आरटी अगेन। सो फाइनली आवर लॉन्ग वेटेड प्लान फॉर ज़ुको इज हैपनिंग। आई अलोंग विद माय टीममेट मिस्टर विशाल, हरिया एंड सुपिन्ना एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी हेडी सुदीप। राइट नाउ अभी हम लोग दिमापुर पे हैं। यहाँ से कोहिमा जाएंगे, वहाँ से नेक्स्ट ट्रिप शुरू करेंगे फॉर ज़ुको वैली। So, हम लोग कोहिमा पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स जखामा वैली राइट नाउ टुवर्ड बेस पोर्ट। चलदा रेडी करते हुए अपना चश्मा वगैरह। हियर इज आवर ग्रुप एंड द व्यू फ्रॉम हियर। ये हमारा होम स्टे जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ से ऐसा कुछ ऐसा व्यू दिखता है। दिस इज होल नागालैंड में से। यहाँ से जाफ्टी पीक जा सकते हैं, दैट इज द जाफ्टी पीक। बट वी वोंट गो ओवर देयर, वी विल गो टू ज़ुको वैली टुमारो मॉर्निंग 13 नवंबर नून एट अराउंड 1400 आवर्स। हम लोग जखामा वैली एक्सप्लोर करने के लिए निकले विद आवर टीम आरटी ग्रुप। तो अभी जाएंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है लोकेलिटी में। कल सुबह ज़ुको के ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ेंगे। दिस इज आवर होल ग्रुप एज यू कैन सी। से हाय गाइस। Oh yeah, this is the view from Zakama. This is Jaffu Christian College. Date November 13th, time 1450. हम लोग जखामा वैली से नागा हेरिटेज विलेज की तरफ बाय वॉक रवाना हुए। धीरे धीरे बढ़ते हुए पलटन के साथ रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। बाय वॉक जो रोड है, जो हमारा होम स्टे है एट जखामा, फ्रॉम देयर ये अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर्स बाय वॉक रास्ता है फॉर नागा हेरिटेज विलेज, जहाँ पे डॉल्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन एवरी मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। सो चलो चलते हैं, देखते हैं जगह कैसा है। पूरी राइनोसन ट्रैक की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अशोदीप इस टीम को लीड करते हुए आगे चल रहा एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट बिहाइंड विशाल, सुकिन्ना, रिया एंड खुशी। सो दिस बेसिकली ए सिक्स मैन ट्रिप कम ट्रैक यू में से ट्रिप टू दिमापुर, कोहिमा, सखावा एंड नागा हेरिटेज विलेज एंड ट्रैक टू ज़ुको वैली दैट विल बी कंडक्टेड टुमारो ऑन 14th ऑफ नवंबर टू 15th ऑफ नवंबर। आज हम लोग जो लोकल प्लेसेस है जखावा, कोहिमा और दिमापुर के वह सब एक्सप्लोर करें। इसी के दौरान हम अभी नागा हेरिटेज विलेज पे जा रहे हैं जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो नागा विलेज में जाते हुए हमें ये व्यू पॉइंट मिला, दैट इज़ नोन एज शुरो व्यू पॉइंट। यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, पूरा कोहिमा आपको एक ही जगह से दिख जाएगा। और यहाँ पे एक सुंदर सा स्टैचू भी है जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ नायो बोल के लिखा है।
established on 1993. This statue looks something like this. एंड जैसे कि मैंने बोला, दीपगंज का नाम है शूरो व्यू पॉइंट, एंड यहाँ से आपको पूरा कोहिमा दिख जाएगा. सो यू कम टू द कोहिमा, गो टू नागा विलेज बाय वॉक सो दैट यू कैन स्टॉप बाय दिस प्लेस एंड हैव सम फन टाइम अराउंड दिस प्लेस. दिस इज आवर होल ग्रुप. हम लोग नागा हेरिटेज विलेज के पास आ चुके हैं. बस 200 मीटर का मोर वॉक एंड वी विल रीच देयर एट नागा हेरिटेज बिल्डिंग. इधर कुछ है मेंबर्स ऑफ नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ बोल के पता नहीं, कुछ तो होगा. इनका अलग ही चल रहा है, पंछी बनी उड़ती फिरू. थोड़ा सा वीडियो तो क्या मैं काटूँ ज़रा. एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि ऊपर ही नागा हेरिटेज विलेज का सिंबल है. सो फाइनली सक्सेस. ये वही लोकेशन है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है. अभी डेकोरेटेड नहीं है, जब दिसंबर का महीना आएगा उस टाइम इसको डेकोरेट किया जाएगा. दिस आर द पार्ट ऑफ द विलेज. यहाँ ये पूरा डेकोरेटेड रहता है, रास्ता, विलेज, दिस प्लेस जो है बस यही तक है. दिस इज ऑल अबाउट नागा हेरिटेज विलेज. आप दिसंबर महीने में आइए तो आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल में पूरा प्लेस डेकोरेटेड मिलेगा. अभी तो बस ये जो है ये देखने के लिए बस यही सब है और कुछ नहीं. दैट्स इट. तो ये रोड है बेसिकली, जो जिस रोड से आप आ सकते हो यहाँ पे विलेज के लिए, मेन रोड से कनेक्ट होता है. तो दैट्स इट. यहाँ पे सामने आपको नागा हेरिटेज विलेज दिखाई दे रहा है चारों ओर, बस अभी डेकोरेटेड नहीं है. हॉर्नबिल फेस्टिवल में आइए तो आपको डेकोरेटेड मिलेगा. ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जहाँ पे होता है वहाँ का मेन गेट है, इसको विंडो ऑफ नागालैंड भी बोला जाता है. चलिए अंदर चलते हैं. सामने ही आपको दिख रहा होगा नागा हेरिटेज विलेज करके इधर पहाड़ियों में लिखा गया है टू शो देयर कल्चर. यहाँ पे दो स्टैचू भी लगा रखा है जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पे हॉर्न बजाते हुए रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार्ट ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल. सामने आपको हॉर्नबिल ट्री दिखाई दे रहा होगा जिसमें आर्टिफिशियल हॉर्नबिल्स लगे हैं टू मार्क द हॉर्नबिल फेस्टिवल. ये फील्ड है जहाँ पे मेला बैठता है ड्यूरिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल. ये हॉर्नबिल फेस्टिवल इज स्पॉन्सर्ड बाई नागालैंड टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड. चलिए ऊपर चलते हैं. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. ये नागालैंड का कल्चरल हाउसेस है. पुराना जमाना का गेट रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है यहाँ पे. टाटा. दिस इज द हाउस. बाकी ग्रुप इधर बिजी है अपनी फोटोग्राफी में. यहाँ पे आपको एक कुछ स्टैचू टाइप दिखाई दे रहा होगा, मतलब पत्थर में खोदा हुआ स्टैचूस टू रिप्रेजेंट देयर नागा कल्चर टू बफेलोस आई गेस. एंड दिस कल्चर इज सो गुड. शाम का टाइम, विंटर का मौसम, दोस्तों के साथ
नागालैंड की भूमि में मैगी खाते हुए सभी भाई बे भाई भाई बे ये सस्ता ब्लॉग है। यस सर यस सर यस।